अभी तो हम देख लो बिल्कुल गए, वो जो भी हमें देखे वो कहता रहे तो फाइनल ऋतिक का मस्ट अपडेटेड गाना जो कि है शेर खुल गई वो आ गई है और उसमें ऋतिक का लुक उसके साथ साथ उसका डांस स्टेप देख के फैंस का दिल तो खुश हो गया है। लेकिन ये गाना सुन के मेरे को और एक गाना का याद आ रहा है, वो भी ऋतिक का ही मूवी का गाना है। क्या आप गेस कर सकते हो वो कौन सा गाना है? अगर नहीं तो छोड़िए मैं बता दूंगा। और उसके साथ साथ ये गाना हमको कैसे लगा और ऋतिका दीपिका का केमिस्ट्री कैसा है वो भी बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देखो ये एक पार्टी सॉन्ग है जो कि 25 दिसंबर से पहले लॉन्च किया है, क्योंकि 25 दिसंबर से क्रिसमस का पार्टी शुरू हो जाएगा और वहां पर हर एक पार्टी में ये गाना बजेगा। जी हाँ, इसका म्यूजिक ऐसे ही पैर उठाने में मजबूर करेगा हमारे जैसे लॉन्डो को। खैर, ये जो गाना है ये विशाल शेखर का गाना है जिसमें ऋतिक का लुक, उसका डांस स्टेप और दीपिका के साथ रोमांटिक सीन में देखते हुए मेरा तो जल रहा है भाई साहब, क्या लग रहा है दोनों को। मतलब ऋतिक ऐसे देखने में हॉट और इतना लंबा मानो कि बड़े बड़े हॉलीवुड हीरो को भी फेल कर देगा। और उसके संग है दीपिका पादुकोण जिसका जोड़ी देख के जलन तो हो रहा है, लेकिन उन दोनों को एक साथ में देख के और भी अच्छा लग रहा है। मतलब मानो कि ये जोड़ी सिर्फ बचा था बॉलीवुड में होने के लिए। और अगर ऋतिक रोशन का परफॉर्मेंस की बात करें तो उनका डांस स्टेप तो हम बहुत पहले से देखते आए, जिसमें सबसे फेमस है ऋतिक का परफॉर्मेंस के लेके कोई डाउट नहीं है। और ये गाना भी एक बहुत अच्छा गाना है जिसको गाया है विशाल शेखर ने और इससे हमको कुछ याद आ रहा है। ये गाना सुन के हमको पुराने गाना का याद आ रहा है, वो भी ऋतिक रोशन का जिसको गाया था विशाल शेखर ने। वो गाना क्या आप याद कर पा रहे? अगर नहीं तो ये सुन लीजिए। हाँ, इसका म्यूजिक और खुद सिंगर भी था विशाल शेखर जो कि इस गाने को गाया है शेर खुल गए। जो भी है, गाना एक अलग ही वाइब दे रहा है और शेर खुल गया का मतलब यहाँ पर दिखाया जा रहा है, ये जो फिल्म है ना फाइटर, यहाँ पर सब लोग देशभक्त है जिसके लिए ये लोग एक एक शेर है। मतलब अपना देश के लिए लड़ाई करते हैं देश का दुश्मनों से। और हो सकता है मिशन सक्सेस करने के बाद ये पार्टी सॉन्ग कर रहा है यहाँ पर सब लोग। तो देखिए, गाना तो आ गया है इसका हाइप बढ़ाने के लिए, लेकिन मूवी आने में भी बहुत टाइम बाकी है। ये मूवी आने वाला है 25 जनवरी को, जिसमें ऋतिक के साथ साथ दीपिका पादुकोण, अनिल कपूर, करण सिंह, अभय ओबराय जैसे कलाकार मौजूद होंगे जो कि आप लोग इस गाने में भी इन सबको देखे होंगे। खैर, अब मैं मेरा ओपिनियन दे देता हूँ मेरे को कैसे लगा ये गाना। तो देखो, ऋतिक का लुक और उसका डांस स्टेप मेरे को बचपन से पसंद है और इसी के साथ इस गाना को लॉन्च किया है जिसमें ऋतिक का लुक और डांस स्टेप देख के हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है और उसके साथ साथ एक पार्टी सॉन्ग भी मिल गया है तो ये गाना तो हमको बेहद ही अच्छा लगा। और साथ ही साथ ऋतिक का डांस स्टेप, मतलब देखो इस गाने में दीपिका पादुकोण, अनिल कपूर और उसका दो दोस्त भी है, लेकिन हमको सिर्फ फोकस रहेगा ऋतिक नहीं। जी हाँ, यहाँ पर दीपिका ने उतना लाइमलाइट नहीं पाया क्योंकि ऋतिक यहाँ पर मौजूद था। दूसरी जगह हम देखते हैं शाहरुख खान के साथ दीपिका जब होता है दीपिका फोकस में आता है, लेकिन इस गाने में मेरा नजर सिर्फ ऋतिक को पड़ता। जी हाँ, इसीलिए ना बंदे को ग्रीक गॉड बोला जाता है। अभी तो हम देख लो बिल्कुल गए, वो जो भी हमें देखे वो कहता रहे। तो भाई साहब, ये गाना तो चलने वाला है, लेकिन आपको अगर अभी का टॉप #1 और #2 वाला गाने के बारे में जानना है तो उसके लिए भी हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिए जो कि ये बॉय गर्ल का एंट्री सॉन्ग और उसके साथ साथ तिप्ति डिम्नी वाला सॉन्ग, जिसके लिए हमने ऑलरेडी वीडियो बना के रखे। आप उस वीडियो को देख लो, अगर अच्छा नहीं लगे तो आके गाली देना, फिर कॉमेंट करना, ठीक है? खैर, ऋतिक के गाना आपको कैसे लगा जरूर कॉमेंट में बताना। हम मिलेंगे अगला वीडियो में कुछ एक नया टॉपिक के साथ, एक नया मूवी रिव्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, टाटा बाय बाय।